बीसीसीआई रिपोर्ट के मुताबिक जल्द ही बीसीसीआई भारतीय टीम क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए वर्ष 2023 से 2024 सीजन के लिए कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान करेगी। और बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ियों के लिए चार ग्रेड्स होते हैं, जिसमें A+, A, B और C, ये चार ग्रेड्स होते हैं और चारों ग्रेड्स के सालाना सैलरी अलग अलग होते हैं। और ग्रेड A+ के खिलाड़ियों को सालाना 7 करोड़ मिलते हैं और ग्रेड ए के खिलाड़ियों को सर्वाधिक 5 करोड़ मिलते हैं और ग्रेड बी के खिलाड़ियों की सर्वाधिक 3 करोड़ मिलते हैं और ग्रेड सी के खिलाड़ियों को सर्वाधिक 1 करोड़ मिलते हैं। वर्ष 2023 से 2024 के बीच बीसीसीआई जल्द ही खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान करेगी, जिसमें कई नए खिलाड़ी हैं और कई पुरानी खिलाड़ियों को हटाया भी जाएगा, जिसमें नए खिलाड़ी में रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, मुकेश कुमार, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ और ऐसे कई खिलाड़ी हैं। यानी हर साल मार्च से लेकर अगले साल फरवरी तक के बीच के यह सैलरी की जाती है, जिसमें वर्ष 2023 मार्च के बाद जो भी खिलाड़ी इंडिया के टीम में डेब्यू किए हैं और इंडिया के टीम के लिए लगातार खेल रहे हैं, अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट 2022 से 2023 सीजन में नहीं हुआ होगा, उनका कॉन्ट्रैक्ट 2023 से 2024 के बीच हो जाएगा। इनमें कई अभी खिलाड़ी हैं, जो अभी मैंने पिछला खिलाड़ी का नाम बताया और मुख्य रूप से कुछ नए खिलाड़ी होंगे। चलिए वर्ष 2022 से 2023 के बीच बीसीसीआई और खिलाड़ियों के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उनका एक बार लिस्ट देख लेते हैं, जो सभी खिलाड़ी इंटरनेशनल मैच भारत के लिए खेले थे। ग्रेड A+ में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा है, भारतीय पूर्व कप्तान विराट कोहली है, जसप्रीत बुमराह है, रविंद्र जडेजा है। वही ग्रेड ए में हार्दिक पांड्या, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल। और ग्रेड बी में चतेश्वर पुजारा, लोकेश राहुल, सुरेश अय्यर, मोहम्मद सिराज, सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल है। वहीं ग्रेड सी में उमेश यादव, शिखर धवन, साधु ठाकुर, ईशान किशन, दीपक चाहर, यजुवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, संजू सैमसन, अक्षदीप सिंह और श्रीकर भरत है। ये सभी खिलाड़ी वर्ष 2022 से 2023 के बीच खेले हुए थे। और जो ग्रेड सी में है खिलाड़ी वो भी 2022 से 2023 के बीच खेले थे। लेकिन खिलाड़ियों का प्रमोशन इसमें भी होता है, जैसे खिलाड़ी जो नया नया डेब्यू करते हैं उनको अधिकांशतः ग्रेड सी में रखा जाता है, वो अपना प्रदर्शन अच्छी तरह करते हैं तो उनका ग्रेड बढ़ाया जाता है, ग्रेड बी में कर दिया जाता है। उनमें भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन्हें ग्रेड ए में कर दिया जाता है, उनमें भी बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें ग्रेड A+ में कर दिया जाता है। और अधिकांशतः ग्रेड A+ के ही खिलाड़ी ही कप्तान बनते हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रेड A+ के ही खिलाड़ी कप्तान बनते हैं, ग्रेड ए और बी के भी खिलाड़ी कप्तान बन सकते हैं। लेकिन बीसीसीआई के मुताबिक ग्रेड A+ में जितने भी खिलाड़ी होते हैं वह अधिकांशतः अनुभवी खिलाड़ी होते हैं, जो भारत के लिए बहुत सालों से मैच खेल चुके हैं और बहुत मैच खेलते भी हैं, इसलिए भारत की ओर से कप्तान ग्रेड A+ को अधिकांशतः बनाया जाता है। अभी ग्रेड A+ के कप्तान रोहित शर्मा है, जो भारतीय टीम के कप्तान है, उन्होंने बहुत सालों से कप्तानी की थी। वही विराट कोहली भी भारत के लिए कप्तान रह चुके हैं, उन्होंने वर्ल्ड कप 2019 की भी कप्तानी की थी, कई इंटरनेशनल मैचों में कप्तानी की। वही विराट कोहली ही ऐसे इकलौते बल्लेबाज है जो वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। वहीं जसप्रीत बुमराह उनकी धाकड़ गेंदबाजी की वजह से ग्रुप A+ में रखा गया है। वहीं रविंद्र जडेजा बॉलिंग और बैटिंग का प्रदर्शन इतनी बेहतरीन करते हैं उन्हें ग्रेड A+ में रखना मुमकिन हो जाता है। वहीं हार्दिक पांड्या भी प्रदर्शन अच्छा खासा करते हैं, लेकिन किसी किसी मैच में ऐसा प्रदर्शन करते हैं कि नाम के विपरीत चला जाता है, इसलिए अभी ग्रेड ए में है। लेकिन अच्छा प्रदर्शन करेंगे और आने वाले समय के भारतीय कप्तान वही होंगे, देखते हैं कि वह A+ में जाने में कितने समय लगाते हैं। और वर्ष 2024 और 2023 के बीच जो बीसीसीआई खिलाड़ियों के बीच कॉन्ट्रैक्ट करेगी वह जल्दी होने वाली है। वर्ष 2024 में मार्च में यह कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, क्योंकि वही साल का पहला महीना हिंदी कैलेंडर के अनुसार मार्च होता है और अंतिम महीना फरवरी होता है, इसलिए सारे इंडिया के कैलेंडर और इंडिया के स्कूल के भी प्रोग्राम इस तरह बनाए जाते हैं कि सभी की परीक्षा फरवरी लास्ट में पड़े और पहला महीना मार्च से शुरू हो और मार्च में इसका कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। देखते हैं कि कौन कौन खिलाड़ी किस ग्रेड में जाते हैं। जो नए खिलाड़ी वर्ष 2023
23 मार्च के बाद डेब्यू किए थे, उनका भी कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, वो भी इंडिया के टीम में जुड़ेंगे। और पुराने खिलाड़ी भी जो रिटायरमेंट रह चुके हैं उनको बाहर किया जाएगा, क्योंकि कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो इन सभी ग्रेडों में है लेकिन लेकिन वह बहुत समय से मैच नहीं खेल पा रहे हैं, उनको छटौती किया जाएगा और नए खिलाड़ी को मौका दिया जाएगा।